हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एनजे गेमिंग। आज मैं आप लोगों के लिए तो फिर से फार्मिंग सिम रिलेटेड 20 का एक नया वीडियो न्यू एपिसोड। आज हम नए वोलेंट ट्रैक्टर से खेलने वाले हैं। अपना नया वोलेंट ट्रैक्टर हम बैठ चुके हैं। अब हम अपने खेतों में काम करने के लिए कुछ टूल्स लेने के लिए जा रहे हैं। हमारे पास बहुत ही कम टूल्स है। ये अपना ट्रैक्टर बहुत ही अच्छी तरीके से जा रहा है। देख सकते हो कितनी स्पीड से जा रहा है। ये हम आ चुके हैं टूल्स के लिए। सबसे पहले हम कल्टीवेटर्स बाय करते हैं। इसमें से ये सबसे महंगा वाला बाइक करेंगे हम। ये भी से एक ही साइज़ का, ये दोनों इसलिए थोड़ा सस्ता रहेगा क्योंकि मतलब कि 90,000 डॉलर का है। इसे हम बाइक करने वाले हैं। हमने बाइक कर लिया इसको, इसके साथ चलेगा भी नहीं हमको नहीं पता। अब इसको लेकर चलते हैं, थोड़ा रिवर्स जाने देते हैं। डाटा चल चुका है, देख सकते हो कैसे सामने कोई और वेट भी लग चुका है। अब अपने ट्रैक्टर को जाने देते हैं अपने खेतों में। देख के चलाना पड़ेगा नहीं तो एक्सीडेंट हो जाएगा। ये अपना ट्रैक्टर निकल चुका है, देख सकते हो कैसे जा रहा है अपना ट्रैक्टर। वैसे बहुत ही अच्छी आवाज़ निकल रहा है, सुन सकते हो कैसी अच्छी फायरिंग निकल रहा है, जिसे सुन के मजा ही आ जा रहा है। ये अपना ट्रैक्टर आ चुका है अपने खेत में। ये हम आ गए अपने खेत में। ट्रैक्टर को थोड़ा दूर से टर्न मार के लगाना पड़ेगा इधर को। थोड़ा सा दूर के कैमरे से खेलेगी क्योंकि पास के कैमरे से खेलेगी तो पता नहीं चलेगा कि कल्टीवेटर कैसे लग रहा है। अब हम कल्टीवेटर को ओपन कर लेते हैं। थोड़ा रिवर्स लाते इधर से लगाना पड़ेगा क्योंकि अब भगाते हैं अपने कल्टीवेटर को। थोड़ा बहुत साइड से लगा देते, कोई टेंशन की बात नहीं है। देख सकते हो अपना नया वाला ट्रैक्टर कितनी पावर जोर से चल जोर लगा रहा है, लेकिन ये 400 RPM तक ड्रॉप कर दे रहा है। अब देख सकते हो 400 RPM पर चल रहा है। इधर की ओर ढलान है फिर भी ये 400 RPM पे ही चल रहा है। मतलब कि इसने ट्रैक्टर ने बहुत सारे RPM ड्रॉप कर दिए, मतलब कि मिनिमम 14 RPM पे ट्रैक्टर चलना चाहिए, लेकिन ये सीधे 10 RPM ड्रॉप कर दिए, मतलब कि 4 RPM पे ही चल रहा है ट्रैक्टर। आप समझ ही सकते हैं कि ट्रैक्टर मिनी ट्रैक्टर है, कल्टीवेटर बड़ा है, इसकी वजह से ही ये स्लो चल रहा है। लेकिन क्या करें, अपना भी पावर टेस्ट करके पावर टेस्ट चल रहा है अपने ट्रैक्टर पे। अगली वीडियो में मैं किसी और ट्रैक्टर का भी लेके आऊँगा। ये 1100 RPM तक हो चुका है, देख सकते हो। अब यहाँ से मोड़ेंगे थोड़ा उसको गलत है, 300 RPM चला चुका है। यहाँ से घूमना बहुत ही मुसीबत हो रही है। देखिए तो कैसा ट्रैक्टर स्लिप खाया जा रहा है, क्योंकि ये मिनी ट्रैक्टर है, मतलब कि मीडियम कैपेसिटी का है, पर क्वालिटी हाई लेवल की है। मेरे पास अभी हाई लेवल का डेवलप ट्रैक्टर नहीं है। अगर आपके पास मोड हो तो दे देना है, और उस गेमर की आईडी डाल देना। इधर से 200 RPM चल रहा है, मतलब कि वो 2 RPM ड्रॉप कर दी, 1200 RPM ड्रॉप कर दी अपने ट्रैक्टर ने। आप देख सकते हैं क्योंकि इधर चढ़ा आ चुकी है, थोड़ी सी कल्टीवेटर बुरी हुई इसीलिए जा रहा है इतनी स्पीड से। आप देख सकते हैं कैसे जा रहा अपना ट्रैक्टर काम अच्छे से काम करते हुए। शायद से अंधेरा होने वाला है, आप देख सकते हो, नहीं तो बादल दिख रहे हैं, बारिश भी हो सकती है शायद से। ट्रैक्टर का टायर जो स्लिप खा रहे हैं, ये ट्रैक्टर 300 RPM पे चल रहा है। आप देख सकते हो कैसे कितने अच्छे जा रहे हैं। ये इधर से जा रहे हैं काम करते हुए, अच्छे से काम करते जा रहे हैं अपना ट्रैक्टर। अंदर से सुनिए कैसे बज रही है पीछे से कल्टीवेटर की, कैसे अच्छे से काम कर रहा है अपना कल्टीवेटर, कैसे ज़मीन को जुतते हुए जा रहा है। ये बड़ा कल्टीवेटर है इसलिए बहुत ही अंदर से जुतते हुए जा रहा होगा अपनी ज़मीन को। इसमें हम बहुत ही जल्द धान को बोएंगे। ये फिर से 400 RPM पर अपना ट्रैक्टर स्टार्ट हो चुका है। ये दूसरी लेना हम खत्म करने वाले हैं। इस खेत में चार से पांच लेन लग जाती है, क्योंकि ये खेत भी कुछ कम नहीं है। ये इस खेत को भी हमने ख़त्म कर दिया। ये आगे का उठ गया था अपना, दिखाई गया इधर को। ये फिर से उनके लिए हमने, अरे ये ट्रैक्टर कूद गया, थोड़ा सा रिवर्स लेना पड़ेगा। इधर से घूम कर रखते हैं अपने ट्रैक्टर को।
सॉरी, दूसरे व्हीकल पर हम चले गए थे। ये फिर से स्टार्ट हो चुके अपने ट्रैक्टर, अब कितनी स्पीड से काम करता है आप देखना। अब ये 500 RPM पे चल रहा है, ये फिर से लो हो चुकी है, 1000 RPM तोड़ दिए। पहले जब स्टार्ट हुआ था तब ये 700 RPM पे था, फिर 600 पे गया और 500 पे गया, डायरेक्टली 400 RPM पर आ चुका है। ये 300 RPM तक ड्रॉप कर दे रहा है, आप देख सकते हो कभी कभी। कितने अच्छे से हवा निकल रहा है आप देख सुन ही सकते हो, पीछे से भी कल्टीवेटर की बहुत ही अच्छी आवाज़ आ रही है, जिसे बाहर से नहीं आती, इसे अंदर से आवाज़ आ रही है, अंदर के कैमरे से। ये अपना कल्टीवेटर 12 बाई 12 फीट का है, और ट्रैक्टर की कैपेसिटी 12 फीट कल्टीवेटर खींचने की नहीं है, इसलिए इतने स्लो ही चल रहा है। ये एक और चक्कर ख़त्म कर लिया हमने, एक और लेन थोड़ा सा, अब उस साइड से कलो को मक्का लगाइए, बीच में से उधर से लेते हुए इधर आ जाएगी। ये चल मेरे ट्रैक्टर, ये तो चल ही नहीं, आप देख सकते हो कैसे स्लिप खाया जा रहा है। ये फिर से घूम गया, रिवर्स लेना पड़ेगा क्योंकि इसके RPM बहुत ही ड्रॉप कर दिए, आगे ही नहीं जा रहा था। ये अब निकल चुका है अपना ट्रैक्टर, फिर से 200 RPM पे RPM पूरे का पूरे ड्रॉप कर दिए इस ट्रैक्टर ने, लेकिन अभी भी थोड़ा थोड़ा हिल रहा है। थोड़ा रिवर्स लेते हैं, अब भगाते हैं यहाँ से फिर से, अभी RPM ड्रॉप नहीं करना चाहिए। ये निकल चुका है अपना ट्रैक्टर, भाग भाग ससुर भाग मिल्खा भाग, इसको अच्छे से रिवर्स लेते हैं क्योंकि ये ड्रॉप कर दे रहा है RPM। ये यहाँ से स्टार्ट कर दिया हमने 400 RPM पे, अब तोड़ता है ना, ये देखिए ये 500 RPM पे गया था, ये इधर से ऐसा नहीं चढ़ पाएगा। कल अपने कटोरे को ऊपर कर लेते हैं, अब आगे लेके थोड़ी बार थोड़ा बहुत पेपर, उसके बाद हम कल्टीवेटर को थोड़ा उठे जाने देते हैं, उसके बाद आगे लेके, क्योंकि अपना ट्रैक्टर आगे ना जा रहा था, आप सुन सकते हो। ये हमने फिर से खोल लिया है अपने कल्टीवेटर को, हमने मोड़ लिया था क्योंकि ये आगे नहीं बढ़ रहा था, देखा था आप लोगों को दिखाई होगा। ये अभी नीचे बैठा नहीं, ये अपना ट्रैक्टर जितने लोग चला फिर से अपने खेत को, ये चल रहा है 200 RPM 300 RPM पर जा रहा है अपना ट्रैक्टर, कैसी आवाज़ निकल रहा है आप सुन ही सकते हो। क्या देखा है, अब देख सकते हैं वेलकम टू होम का बोर्ड लिखा हुआ है, ये चल से अंधेरा हो चुका है बराबर। ये ट्रैक्टर जा रहा है, इसकी परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी नहीं थी क्योंकि ये बहुत ही छोटा ट्रैक्टर है। मेरे पास ऐसे और भी कोई ट्रैक्टर से जॉन डियर और नए नए मॉडल जैसे कि विदेशों में पाए जाते हैं, वैसे ट्रैक्टर्स की मैं अगली वीडियो में लेकर आ जाऊँगा। इस वीडियो में मैं न्यू हॉलैंड ट्रैक्टर के साथ ही चल रहा हूँ, आप देख सकते हैं कैसे जा रहा है अपना न्यू हॉलैंड ट्रैक्टर आवाज़ निकालते हुए, लेकिन स्लीप बहुत खा रहा है और पावर भी बहुत ड्रॉप कर रहा है, जिसकी वजह से इतना छोटा खेत जोतने में हमको पूरे के पूरे 15 मिनट लग चुके हैं। और भी एक प्लेन बच चुकी है, इसको भी हम जोत डाले बहुत ही जल्द, ये लेन खत्म होती है इसको भी जोत डाले, और उसके बाद क्या करेंगे सोचो सोचो। इस लेन को भी हमने ख़त्म कर दिया है, ये स्टार्ट होगा रेगुलेटर, यहाँ से अच्छे से घूम चुका है क्योंकि इधर कोई भी चढ़ान या ढलान वाली जगह नहीं थी, इसलिए इधर से रेगुलेटर को घूमने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई।